हेलो बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताएंगे कि व्याकरण क्या है और हम व्याकरण के द्वारा हिंदी भाषा का ज्ञान किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं। अर्थात व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा के शुद्ध रूप को आसानी से समझ सकते हैं। प्रथम सुव्यवस्थित व्याकरण अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखा था। प्रथम हिंदी व्याकरण ब्रज भाषा व्याकरण सन 1658 में मिर्जा खान ने लिखी थी। अब व्याकरण के भेद। व्याकरण के तीन भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब हम आपको तीनों के बारे में समझाते हैं। पहला वर्ण विचार। इसमें वर्ण की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। यानी वर्ण की क्या बनावट और किस तरह से में उच्चारण या लेखन का कार्य करना है उस पर विचार किया जाता है। दूसरा शब्द विचार। इसमें शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है। तीसरा वाक्य विचार। इसमें रचना प्रकार, विराम चिन्ह आदि के विषयों में विचार किया जाता है। किसी भी वाक्य को लिखने से पहले हम विराम चिन्ह के विषयों पर विचार करते हैं। वर्ण की परिभाषा। ये मूल ध्वनियां जिसे खंडित अथवा विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम आपको बताते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। बच्चों, स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको स्वर दिखाया, इसमें 13 संख्या है। क्योंकि अंग और आहा हमारी न स्वर है न व्यंजन, ये अयोग वाह है, इसलिए हमारी स्वरों की संख्या 11 है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री ए ए ओ औ। अब यहाँ पर देखिए, हम मात्राओं की संख्या आपको बता रहे हैं। हमने जो भी बताया उसमें आपका अ, जो आ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमारी मात्राओं की संख्या 10 हो गई। अब व्यंजनों की कुल संख्या। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। पहला स्पर्श व्यंजन, इसमें 25 होते हैं। जैसे का से अंगा तक हमारा का वर्ग, चा से इया तक चा वर्ग, ता से आणा तक ता वर्ग, ता से ना तक ता वर्ग, पा से मा तक पा वर्ग। ये अलग अलग वर्ण इस तरह से हैं। अंतःस्थ व्यंजन, ये हमारे 4 होते हैं, या रा ला व। फिर आते हैं हम उष्म व्यंजन में, ये हमारे श ख स ह। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, क्षत्रिय और अच्छा, त्र ज्ञ और श्र। इसके अलावा 2 और व्यंजन होते हैं जिन्हें हम डित अथवा अन्य व्यंजन कहते हैं, डा और ढा। इस तरह से बच्चों वर्णमाला में हमारे कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11, अयोग वा 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, 2 अन्य व्यंजन। यानी कुल वर्ण 52 होते हैं। आज इतना ही। अब हम अगली वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।